शादी.com पर दूल्हा ढूंढना चंडीगढ़ की एक लड़की को महंगा पड़ गया। नोएडा के 24 वर्षीय युवक ने खुद को अमेरिका में फिजियोथेरेपिस्ट बताकर लड़की को शादी का झांसा देकर लगभग 3.25 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी पहचान नोएडा उत्तर प्रदेश के 24 वर्षीय गेडियन के रूप में हुई है। मामले में साइबर क्राइम पुलिस थाना ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने की धाराओं में गत 18 जुलाई को केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता लड़की ने अगस्त 2021 में वेबसाइट पर रिश्ते के लिए प्रोफाइल बनाई थी। वहीं 8 अगस्त 2021 को उसे अमित बेदी की रिक्वेस्ट आई, उसकी पेड आईडी थी। उसने खुद को अमेरिका में फिजियोथेरेपिस्ट बताया था। आपको बता दें कि अमित बेदी की प्रोफाइल शिकायतकर्ता को पसंद आई, जिसके बाद बेदी की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और उसे व्हाट्सएप नंबर देकर चैट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बेदी ने लड़की को कहा कि 1 सितंबर 2021 को वह इंडिया आएगा। इसके बाद उसने कुछ फ्लाइट की तस्वीरें भी शेयर की और लड़की को विश्वास दिलाया कि वह भारत आ रहा है। उसकी फ्लाइट मुंबई लैंड कर रही है। वहीं 1 सितंबर को लड़की को 2 नंबरों से किसी अनीता की कॉल आई। उसने खुद को एयरपोर्ट अथॉरिटी की कर्मी बताया। उस फर्जी कर्मी ने शिकायतकर्ता को बताया कि अमित ने मुंबई लैंड किया है और उसके पास काफ़ी अमेरिकन डॉलर है, यदि रकम नहीं दी जाती तो अमित को जेल में डाल दिया जाएगा। तो वहीं शिकायतकर्ता लड़की ने अपने HDFC बैंक और यूनियन बैंक के खाते का नंबर दिया। टैक्स भरने के लिए शिकायतकर्ता ने 100 रुपये, 34,400 रुपये, फिर 45,500 रुपये, फिर 51,000 रुपये और 1,99,900 रुपये जमा करवाए। यह रकम लगभग 3.25 लाख रुपए थी। HDFC खाते में रकम जमा कराई गई थी, लेकिन बाद में लड़की को पता चला कि उसके साथ ठगी हो गई। वहीं पुलिस को शिकायत देने के बाद आरोपी की लोकेशन देखकर ग्रेटर नोएडा में रेड की गई। आरोपी गेडियन को उसके घर से काबू किया गया। पुलिस ने उसको कब्जे में लेकर उससे 2 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड भी बरामद किया। इसके साथ ही 24 ब्लैक डेबिट कार्ड भी बरामद हुए, जो आरोपी ने क्लोन बनाए थे। आपको बता दें कि एक क्लोइंग मशीन, 3 लैपटॉप भी पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं इन उपकरणों के जरिए आरोपी वारदात अंजाम देता था। आरोपी को एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।